देखो मैं जोर से चिल्लाऊंगी। ये क्या है ये सब? स्टॉप 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 स्टॉप। सुशु, चेक कर। लड़की? अरे वो भाई के कार रिपेयर का जो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मोबाइल लगाया था वो छोड़, ये चेक कर। भाई ये तो यहां भी कोई पिक्चर रिकॉर्ड हुआ है। कहां रह गई शिवांगी, अब तक वापस नहीं आई। अरे उसको उसका बॉयफ्रेंड मिल गया होगा गैराज में। अरे दिलवाले में भी तो उसको, वरुण धवन को उसकी हीरोइन गैराज में तो मिली थी। अरे हम दोनों हैं। हाँ तू कब से अंदर थी, तुझे देखने आ गए। ये क्या है? और ये दोनों लड़के कौन है? सोनगढ़ में लड़के मैंने कभी नहीं देखे। सो हॉट यार। और अब जल्दी चल यार, हमने अब तक बेकरी नहीं खोली, निकल अब यहाँ से। चल ना जल्दी आओ। आ रही हूँ 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 आ रही हूँ। क्या कर रहे हो? क्या क्या कर रहा हूँ? मेरी बहन की रिकॉर्डिंग। बहन की रिकॉर्डिंग नहीं लेनी थी, तुम्हारी लू। अलाउ मी ना प्लीज। व्हाट लवली स्माइल, हाउ कैन यू बी सो ब्यूटीफुल। क्या कर रहा है तुम? I'm so sorry on his behalf. ये तो anyway, अरे बात बताइए, अरे वो जो एक लड़की थी आपके साथ, फेवरेट कजन, फेवरेट बहन, बहन कजन, एक्चुअली उन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया था क्योंकि मैं उनकी ड्रेस पॉल कर दी ना, तो आई वॉन्ट टू बी अ नाइस गाय, एक अच्छा नागरिक होने के नाते आई वॉन्ट टू गिफ्ट हर अ न्यू ड्रेस। उन्होंने अपना नंबर दिया था 9893467235 सुबह 9:30 से ना 7 बजे के बीच कॉल मत करना। आपको पता है लेकिन क्यों? वो बेकरी में होगी ना, बेकरी में काम करती है, तो मॉर्निंग में बहुत ज्यादा क्राउड होता है, तो वो फोन साइलेंट पे होता है उसका। आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ। तुम ये भी हो ना, मिलना ऑलवेज, बाय, जरूर बाय बाय। तुम ठीक तो हो ना? थैंक यू। शिवांगी, शिवांगी आंखें खोलो प्लीज। जब तक ये तूफान रुक नहीं जाता यहां से निकलना मुश्किल है। कोई जगह ढूंढनी होगी जहां गर्मी हो। साक्षो सा वह मां बहन तरा सुचि हा। चलिए अब कन्या को बुलाइए। लो दुल्हन भी आ गई, बड़ी माँ खुद लेके आ रही है। हाय, एक और अच्छा कर्म कर रही है।
बैठे। अब आप दोनों बरमाला के लिए खड़े हो जाइए। चलिए फेरों की विधि संपन्न हुई, अब आप दोनों बैठ जाए। बैठ। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ, देखना पड़ेगा। वर वधू को मंगलसूत्र पहनाएगा। ये रॉकी कहाँ चला गया? अरे उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? ए जादू, ऊपर देख तो। वो घड़ी आ गई है रॉकी को। ए चुप कर, घड़ी आ गई, घड़ा आ गया। अब तो मुझे जल्दी से ये बता, रॉकी को हुआ क्या है? हे शिव जी, रॉकी एक नाग है और वो खुद ही ये नहीं जानता, वो अपने ही वश में नहीं, और उसे इतना दर्द, मैं क्या करूं? मैं रॉकी को गुरुदेव के पास लेकर जाती हूँ, पर कैसे? शक्ति जब काली बनकर आई थी तो दुनिया को प्रलय से बचाने के लिए स्वयं शिव जी उसके पैरों के नीचे आ गए थे। मुझे भी अपने रॉकी। ए सुन, ऐसे गुर गुर के आसमान को क्या देख रहा है? आसमान टूट के गिरने वाला नहीं है, रॉकी टूट के गिर गया है। समझ में नहीं आ रहा है रॉकी के साथ हुआ क्या है। रॉकी का 27वां जन्मदिन है, आज उसका नया जन्म हुआ है। आगे बोल। आज उसको एक बहुत बड़ी शक्ति मिलने वाली है। कैसी शक्ति? वो तो रॉकी के मिलने के बाद ही सामने आएगी। मैं जानता था कि शक्ति मिलने के बाद रॉकी अपने वश में नहीं रहेगा, उसे खुद पता नहीं चलेगा कि वो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। जादूनाथ, रॉकी कहां है, कैसे पता चलेगा? हाँ, अरे बताओ तो सही जादू, हमें कैसे पता चलेगा कि रॉकी कहां है? वो खंजर जो तूने उसके सीने में उतारा था। जाओ हवन गुण बनाओ मेरे लिए। नहीं करता तुमसे प्यार, नहीं करता तुम्हारी फिक्र, नहीं करता तुम्हारी परवाह। हाँ, तुम्हारे साथ था, इंतकाम में तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुम्हारी कहानी पूरी करने के लिए, मेरी कहानी पूरी करने के लिए, तुम्हारी जिंदगी के लिए नहीं, तुम्हारी मौत के लिए। Hey!